छठ का पावन अवसर है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की तैयारी चारों तरफ जोरों शोरों से दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आईटीओ घाट में, जहां पे तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आपको एक बात बता देती हूं कि छठ मतलब साफ सफाई। साफ सफाई का छठ के पर्व में विशेष ध्यान रखा जाता है ध्यान, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घाटों की सफाई चल रही है। लगातार जो भी मजदूर हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि छठी मैया को सफाई बेहद पसंद है। तो घाटों के किनारे जो भी यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, लगातार सुबह से ही कहे कि यहाँ पे जो सफाई है वो चल रही है, लोग सफाई कर रहे हैं। और सफाई के साथ साथ यहाँ पे घाट में व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की गई है। घाट गंदा तो हो ही जाता है, पर छठ के दौरान इसे पूरे तरीके से साफ किया जाता है। और लगातार ये लोग जो है वो सुबह से लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। और मजदूरों की संख्या आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, पर छठ का पर्व है। और कहते हैं कि छठी मैया को गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। कहा जाता है कि छठ के अवसर पर चाहे वो सड़क हो, घाट हो, घर हो या कोई भी एरिया हो, हर जगह को बहुत ही अच्छे से साफ किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार सफाई चल रही है, कब से सफाई चल रही है और क्या कुछ सफाई को लेकर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मैं पिछले 15 दिन से यहाँ पे काम करा रहा हूँ छठ के पर्व को लेकर के, और काफी मेहनत की है इसके लिए। जी, तो आपने सुना कि काफ़ी मेहनत की गई है, लगातार 15 दिनों से यहाँ पे सफाई चल रही है। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है छठ के दौरान, और वहीं डूबते हुए सूर्य को आके घाटों में लोग आते हैं, अर्घ देते हैं। यहाँ पे घाट के किनारे टेंट भी लगाया गया है, जहाँ पे जो भी व्रती के साथ उसके परिवार वाले आते हैं उसके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं टेंट के बस उस पार कृत्रिम घाट बनाया गया है, और उसके जस्ट इधर बगल में एक आईटीओ का घाट है जो बेहद ही प्रसिद्ध है, बेहद ही फेमस है। आपको तैयारियों की बात हम दिखा रहे हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था की गई है। आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी शुरू से लेकर आखिरी तक की गई है, क्योंकि छठ के पावन अवसर पर जब अर्घ देते हैं लोग, तब सूर्य जब ढल जाता है उसके बाद अर्घ देते हैं, और जब तक सूर्य ढलता है तब तक धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगता है, अंधेरा हो जाता है। और जब तक व्रती जो है या उसके परिवार वाले हैं दौरा को वापस से सजाते हैं तो वो वक्त निकल जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो लाइट की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और दूसरे दिन भोर में जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो किसी भी यहाँ पर व्रती को दिक्कत ना हो, जिसके लिए लाइट की व्यवस्था की गई है। और उसके साथ दूसरे ही दिन उनके खाने पीने का यहाँ पर इंतज़ाम भी किया गया है, और उनके रुकने का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। लगातार मशीनें आ रही हैं, मशीनें जो है वो पानी को साफ कर रही है। आप देख सकते हैं कि बांस के साथ इसको पूरा का पूरा जो है वो कवर किया गया है, और लगातार कचड़े उठाए जा रहे हैं यहाँ से, जितना भी कचड़ा है उसको किनारा किया जा रहा है। कृत्रिम घाट हो या आईटीओ का ये वाला घाट हो, दोनों ही घाटों में व्यवस्था जो है छठ को लेकर वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। और आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से यहाँ पर छठ मनाया जाता है, और ये दिल्ली का ऐसा प्रसिद्ध छठ घाट है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से भी मान्यता प्राप्त है, और उसी के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। आप समझ लीजिए यहाँ पे 1 से 2 लाख लोग होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और छठ के इस महापर्व को मनाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल देव के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली।